हमीरपुर में केंद्र सरकार के गरीब परिवारों के लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होटल पैराडाइज में गैस कनेक्शनों का वितरण सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस अवसर पर गरीब 200 पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारो, भाजपा से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रयास है जिससे हर घर में रसोई गैस सिलेंडर मिले। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सफल योजना है जिसके कारण गरीब महिलाओं को राहत मिल रही है। उज्ज्वला योजना एक प्रयास है गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने में, बगैर सिक्योरिटी के रसोई गैस का सिलेंडर। एक ऐसा प्रयास है जिससे एक वर्ष से कम समय में लगभग 2 करोड़ लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध करवाया। अब ये संख्या 2.5 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई है। ये अपने आप में एक ऐसी सफल योजना है जिसके कारण गरीब महिलाएं, जिनको लकड़ी जलाने पर मजबूर होना पड़ता था, जंगल से लकड़ी लानी पड़ती थी, पर्यावरण को नुकसान होता था, और यहाँ तक कि महिलाएं जो लकड़ी जलाती थी उनके शरीर के अंदर भी 1 घंटे के अंदर 300 सिगरेट के बराबर धुआं जाता था। महिलाओं को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए और एक बड़ी सुविधा महिलाओं को दिलाने के लिए, और वो भी गरीब महिलाओं को, तो नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। ये एक सफल प्रयोग पूरे देश भर में रहा। इसके अलावा जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है उसके माध्यम से भी 1000 करोड़ रुपए की बचत केंद्र की सरकार को हुई है, क्योंकि जो फर्जी खाता धारक थे जिनका कभी रसोई गैस का सिलेंडर था भी नहीं, उनके नाम पर सब्सिडी आती थी, उससे भी मुक्ति मिली है और सरकार का 1000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। पेट्रोल और डीजल के आए दिन बढ़ रहे दामों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा इसका सारा फैसला अब कंपनी को दे दिया गया है, जो विश्व की स्थिति को देखकर प्रतिदिन के हिसाब रेट तय करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी रेट कम होने पर भाव गिराए थे, और अगर होता है तो बाद में भी विश्व की स्थिति को देख कर रेट कम किए जा सकते हैं। देखिए, अब तो ये कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है कि उनको मार्केट के हिसाब से कम्पीट भी करना है, रेट भी देने हैं, और प्रतिदिन अगर उनको रेट देने पड़ते हैं तो कंपटीशन में हर किसी को अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए उतना कंपिटिटिव होना पड़ेगा। कोई दाम जानबूझकर नहीं बढ़ा सकता। गत दिवस शिमला में मुख्यमंत्री विभेद सिंह ने मंच पर मरूली टोपी को पहनने से इनकार किए जाने वाले मामले पर सांसद अनुराग ठाकुर ने तीखी टिप्पणी दी है। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री विभेद सिंह पर ऊपर और नीचे के हिमाचल में भेदभाव करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री विभेद सिंह किस प्रवृत्ति से भेदभाव में माहिर हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विभेद सिंह निचले हिमाचल की अनदेखी करते आए हैं, और एक टोपी को ठुकराने की बात नहीं है, ये एक मान सम्मान को ठुकराया है। उन्होंने कहा कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की टिप्पणियां अपनी पार्टी और विपक्ष के ऊपर इतनी अभद्र होती हैं, जो कि उनके अंदर की पीड़ा को दर्शा रहा है। तो पहले कहता हूँ, वीरभद्र जी निचले हिमाचल की अनदेखी करते हैं, ये केवल किसी टोपी को ठुकराना नहीं, एक मान सम्मान को ठुकराने के बराबर है। मुझे लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और शायद ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणियां अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर और विपक्ष के ऊपर इतनी अभद्र होती हैं कि शायद मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति ऐसी टिप्पणी कभी करे ही ना। लेकिन उनके अंदर की पीड़ा है, कांग्रेस के अंदर आज उनको कोई पूछ नहीं रहा है, और शायद ये पीड़ा उनकी बाहर आ रही है।